बात करौली की, जहां पर करौली की भद्रावती नदी अनदेखी के चलते अब नाले में तब्दील हो चुकी है। दशकों पहले पूरे शहर की प्यास बुझाने वाली नदी अब बदहाल है। नदी में गिरने वाले पानी के नाले और कचरे की वजह से इसका बहाव रुक चुका है। वहीं लोगों ने भी कचरा डाल डालकर नदी के बहाव क्षेत्र को डंपिंग यार्ड बना दिया है, लेकिन प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। भद्रावती नदी की बात करेंगे, सालों पहले जो भद्रावती नदी साल भर बहने वाली नदी के रूप में देखी जाती थी, उसकी स्थिति आज ऐसी हो गई है कि वर्षा के दौरान बहने वाली नदी रह गई है, दिखाई दे रही है। इसके साथ ही जो गंदे नालों का जो कचरा है, जो पानी है, वो भी वहाँ पर नज़र आ रहा है। ऐसी स्थिति में नदी जो है डंप यार्ड की तरह रह गई है। हमारे साथ में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे आखिर किस तरह की पहले जो नदी थी कैसी दिखाई देती थी और अब जो दिखाई दे रही है उसमें क्या अंतर आपको नज़र आ रहा है। करौली की भद्रावती नदी, बेशक ही करौली लाइफ लाइन कही जाने वाली नदी थी, जो एक गंगा का रूप थी, सदा नीरा नदी के नाम से जानी जाती थी, आज लगभग मृत प्राय स्थिति में आ चुकी है। उसमें दोष किसी संस्था किसी व्यक्ति का नहीं, सभी लोगों का है उसमें, चाहे वो नगर परिषद दोष में, चाहे लोग वहाँ रहने वाले हों, चाहे शहर के लोग हों जो उसमें प्रदूषित कर रहे हैं। कि उसमें जो शहर का जो कचरा और जो गंदगी जाती है, सबसे पहले तो उसको रोका जाए, क्योंकि जब तक वो नहीं रोकेगा जब तक तो वो गंदी होती रहेगी। उसको देखेंगे तो उसमें क्या है कि पूरी गंदगी से अटाप भरा पड़ा हुआ है, पूरा शहर का गंदगी जितने भी जो है जो पूरा शहर का गंदगी वही में जाता है। मेरा कहना है कि जो नगर परिषद के माध्यम से जो थैलियों पे इन्होंने प्रतिबंध लगाया था उनको रोका जाए, सबसे पहली प्राथमिकता अतिक्रमण को मुक्त किया जाए, और भद्रावती नदी करौली आस्था धाम की एक गंगा के रूप में माने जाने वाली नदी थी, बुजुर्गों से सुना करते थे कि भद्रावती नदी में स्नान करके आएंगे, हमने नाम सुना था, उसको पुनर्जीवित करने के लिए आप सभी के सहयोग से, जन भागीदारी से, मैं भी सोचता हूँ इसमें हमारा भी सहयोग हो। तो मेरा तो ये कहना है कि सबसे पहले तो इसकी गंदगी इसमें नहीं जाए, जब जाके ये पानी सो दो, तो सभी का यही कहना है कि इसको गंदगी को रोका जाए। सबसे पहले तो इसमें गंदगी जाती है, इसलिए इस भद्रावती नदी को गंगा के रूप में पहले मानते थे लोग बाग, और सब उसमें नहाने के लिए भी बहुत वो करते थे, पैसे भी डालते थे, एक बहुत गंगा जल पानी की तरह ही उसको यूज में लेते थे। समाज सेवियों के साथ साथ शहरवासियों को भी आगे आना चाहिए, सफाई अभियान चलाया जाना चाहिए, लेकिन सफाई अभियान महज एक दिन का दिखावा नहीं, सफाई अभियान तब तक चलाया जाना चाहिए जब तक कि नदी अपने वास्तविक रूप में लौट कर नहीं आ सके।